माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप एज ए डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये डेटाबेस नहीं है। अगर आप डेटाबेस की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे तो डेटाबेस की बहुत सारे नियमों को पालन नहीं करता, क्योंकि इसमें मतलब कि एक लिमिटेड डेटा एंट्री होती है, उसके बाद ये ज्यादा डेटा होने पे हैंग या करप्ट होने के चांसेस होते हैं, इसकी सिक्योरिटी को आसानी तरीके से तोड़ा जा सकता है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि डेटाबेस इसको नहीं बनने देता है। ठीक है, तो डेटाबेस, लेकिन हम इसका यूज करते हैं मिसलेनियस डेटा एंट्री करने के लिए, छोटे मोटे जो डेटा होते हैं उनकी एंट्री करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो दूसरा आता है कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस के लिए एक्सेल बहुत ही अच्छा है, ठीक है कुंदन जी। तो कैलकुलेशन मतलब बिहार सॉरी इसमें एक्सेल के अंदर में आपके पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले ऑलरेडी हैं, उनके अलावा मैथमेटिकल जो आप मैथमेटिक्स के होता है मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है उसको भी इजी तरीके से किया जा सकता है। तो पहला जो हमारा है वो है हमारा मिसलेनियस डेटा स्टोरेज, तो याद रखिएगा सर। दूसरा यूज होता है कैलकुलेशन और तीसरा यूज है यहां पे है वो है हमारा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो एक ही कर सकता, अलग भी करो लेकिन रिप्रेजेंटेशन सही है। और चौथा चीज है यहां पे शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कि अगर आपको कोई डेटा भेजना हो किसी को तो हम क्या प्रेफर करते हैं, एक्सेल ही प्रेफर करते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि एक्सेल वो ओपन कर पाएगा, मान लीजिए हम पीडीएफ भेज दिए तो पीडीएफ एक्रोवेट होना चाहिए और पीडीएफ एक्रोवेट मोस्टली सिस्टम में होता आया है और नहीं भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी फाइल अगर मैं भेजूं तो मुझे लगता है कि ओपन हर कोई ओपन कर पाएगा क्योंकि हर किसी के पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बट एक्सेल जो है हमें पता है कि एक्सेल की फाइल उनके पास एक्सेल के सॉफ्टवेयर में ऑफिस तो होगा ही होगा, अगर ऑफिस नहीं है तो गूगल शीट पे जाके भी उसको ओपन करके देख सकते हैं, इसलिए शेयरिंग इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन मतलब डेटा को छोटे मोटे डेटा को या बड़े डेटा को या अच्छे तरीके से एनालिसिस करना, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन कराना, इसका इस्तेमाल होता है, कैलकुलेशन होता है एंड मिसलेनियस डेटा स्टोरेज होता है। ये हमारे चार जो है यूज है एक्सेल के। ए और दूसरी चीज है कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी अपनी रिसर्च है, कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें कॉलम एंड रो है और इसका डेटा जो स्टोर होता है एक पर्टिकुलर सेल पे होता है और यहां पे हर एक सेल का एड्रेस है
और यही चीज जो है इसको एक सबसे खासियत बनाता है, क्योंकि एक्सेस है, ओरिकल है, शैप है, ऐसे जगहों पे क्या है कि रो एंड कॉलम तो होते हैं लेकिन हर एक रो का एड्रेस नहीं होता है, वो कॉलम के हिसाब से चलता है। समझे? वो कॉलम के हिसाब से चलता है। अब बात होती है कि एक सेल का एड्रेस होता है, क्या होता है, जैसे कि जहां पे कर्सर है वो A1 है, मतलब A कॉलम एंड 1 रो। तो मुकेश झा जी मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेल में, एक्सेल के अंदर क्यों होते हैं रो सिस्टम, एक्सेल एड्रेस होता क्यों? एक्सेल एड्रेस होता क्यों है? हेलो मुकेश झा जी। हाँ हाँ बोलिए मुकेश जी। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ क्या बोले, बीच में कट गया था, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं कट गया था, आप क्या कुछ बोल रहे थे ना, आवाज नहीं। डेटा तो स्टोर जो है वो तो बिना इसके भी होगा, मतलब कि क्योंकि एक्सेस में रो सिस्टम नहीं, एक्सेल का एड्रेस नहीं, क्योंकि डेटा स्टोर होता है ना। इस सेल का एड्रेस क्यों डिफाइन किया गया, इस पे क्या आपका है? बेसिकली कैलकुलेशन के लिए, समझे? कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैलकुलेशन मतलब क्या है, आप नहीं समझ रहे हैं, ये आपको सही नहीं समझ आता है। देखिए क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे 20 लिखा, मतलब मान लीजिए 20 प्लस 30 करना है, तो जनरली हम यहां पे 20 प्लस 30 कर देंगे तो रिजल्ट आता है, लेकिन हम यहां ए भी लिख सकते हैं कि B3 + C3 रिजल्ट 50 आएगा। तो B3 क्या, मतलब B3 की वैल्यू को प्लस किया C3 की वैल्यू। तो ए जो है सबसे ज्यादा कॉमन की खास बात एक्सेल की है कैलकुलेशन, क्योंकि आप एक एक सेल पे अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हो, बाकी डेटाबेस में कॉलम के हिसाब से चलता है। और एड्रेस इसलिए बनाया गया कि हम एक सेल को कर सके। अब एड्रेस की और एड्रेसिंग सिस्टम की और भी खासियत है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मा लगाता हूँ, यहाँ पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम निकाल के देता है, रैंडम नंबर निकाल के देता है। अब इसमें मैंने क्या किया, मान लीजिए हर नंबर में मुझे 20 जोड़ना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और प्लस 20 कर दिया। अब मुझे हर में 20 जोड़ना है, तो मुझे हर में जाके 20 नहीं करना है, इसको ड्रैग कर देंगे तो हो जाएगा। क्यों ड्रैग किया है, कॉपी पेस्ट किया, तो क्या हुआ कि इसकी फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी किया, जब भी फॉर्मूला कॉपी होता है तो हमारा जो रेफरेंस है वो इंक्रीज होता है। A3 जो है
तो ऊपर में ए टू था, यहाँ पे ए थ्री बन गया और यहाँ पे ए फोर बन गया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे पास अगर 1 लाख रो है तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला 1 रो में लगाना है, न कि 1 लाख रो। ठीक है, ये बेनिफिट है। लेकिन ये बेनिफिट कभी कभी हमें नुकसान भी देता है। अब देखिए क्या नुकसान देता है। अभी फिक्स था 20 से लिया, मैं बोलता हूं कि मेरा जो C1 पे जो वैल्यू है 20 उसको ऐड करना है, मतलब कि A2 प्लस C1 रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे A2 से A3 हुआ, यहाँ पे C1 से C2 भी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या है कि हमारा इसको फिक्स रखना है, C1 हमारा फिक्स है, तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे यूज करेंगे डॉलर का साइन, मतलब कि एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो 1 के आगे हम डॉलर लगा देंगे तो क्या होगा, अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो A के आगे डॉलर नहीं लगा है, तो A2 जो है वो यहाँ देगी A3 हो गया, बट हमारा C1 फिक्स रहा। क्यों? C1 का अगर डॉलर साइन दिया तो सिस्टम समझ गया कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, इसके अंदर किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। तो हमें रो को फ्रीज करना था, जैसे हम रो को आगे लगाए, अगर हम मान लीजिए इधर ड्रैग करते हैं कॉलन में, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा कॉलन जो है बड़ा इंक्रीज हो गया, सी से डी हो गया, क्योंकि हमने कॉलन के आगे नहीं लगाया। तो आपको अपने सुविधा के अनुसार से जब ड्रैग करो कभी फॉर्मूला तो चेक कर लो किसको इंक्रीज करना है और किसको इंक्रीज नहीं करना है। जिसको नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए, जिसको करना है उसका आगे डॉलर नहीं, जिसको नहीं करना उसका आगे डॉलर लगाएंगे। समझ गए? कुंदन जी डॉलर का कंसेप्ट समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ समझ में आया आपको? हाँ ये वाली क्लियर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर कंसेप्ट जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम सपोर्ट के बारे में। मान लीजिए कि आपको किसी जो ऑप्शंस है उसके बारे में पता करना। सपोर्ट मतलब कि एक्सेल आपको क्या सपोर्ट करेगा आपको लर्न होने में। जैसे मान लो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पता नहीं है तो मुझे पता करना है, उसके लिए जस्ट उसके ऊपर अपना कर्सर रखिए, यहां पे आपको इसका स्क्रीन टिप्स दिख जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में बताया, इसके बारे में और जानना है तो टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल का हेल्प खुलेगा और यहाँ पे इसके बारे में दे देगा। अब क्वेश्चन उठता है कि आप लोग किसी भी चीज के बारे में जनरली गूगल पे क्लिक करते हैं, और मैं गूगल पे जाने के लिए नहीं बोलना, ऐसा इसलिए
क्योंकि गूगल पे जो चीजें दी होती है वो हम जैसे आप जैसे लोग वहां पे देते हैं, प्रूफ रीड नहीं होता है। किसी की आर्टिकल होता है, किसी की वेबसाइट होता है, किसी का ब्लॉग होता है। समझे? इसलिए हमने आपको बोला कि आप एक्सेल के हेल्प में जाके सर्च करें, क्योंकि एक्सेल हेल्प में जो चीजें दी होती है वो आपका फिक्स होता है, क्योंकि वो प्रूफ रीड होता है। समझ गए? तो इसमें और भी सर्च करने से लिमिट सर्च करना है मुझे कि लिमिट्स, तो मैं यहाँ पे लिमिट सर्च करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल की लिमिट्स आ गई, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि तो आपको पता होना चाहिए। हेलो, समझे कि यहाँ पे हेलो, आपको पता होना चाहिए किस का क्या लिमिटेशन है, ताकि आगे चल के उसका इस्तेमाल कर सको। ऐसे आपको कोई शॉर्टकट्स लिस्ट चाहिए तो आप यहीं पे आके आप शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ें। शॉर्टकट्स, तो शॉर्टकट्स में यहाँ देखिए एक्सेल शॉर्टकट फॉर विंडोज क्लिक करेंगे, यहां पे आपके शॉर्टकट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है सर। अब क्या है कि मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूं अपने क्लासेस में, क्योंकि अगर शॉर्टकट में यूज करूंगा तो आप लोगों को जो है दिक्कत होगी थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया। ठीक है सर, लिमिटेशन और शॉर्टकट को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक चीज और होती है कि अवेयरनेस, एक्सेल को सीखने के लिए एक्सेल का अवेयरनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फाइल मेनू पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। इसमें बहुत सारे बने बनाए रिपोर्ट के टैम्पलेट्स हैं, जो कि आपको बताता है कि एक्सेल में किस तरह से काम हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, जैसे बिजनेस है तो आपके पास बिजनेस कैटेगरी आ जाएगा। तो आप क्या करें, इसमें से 10-20 फाइलों को, रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके उसको एक बार देखें। ठीक है, तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल हम आपके साथ एक्सेल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, लिमिट्स को पढ़ेंगे,
आप क्या करेंगे, शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे। और आपके पास तीसरा काम क्या है, एक्सेल न्यू में जाके कई सारे फाइल्स को थोड़ा सा एनालाइज करना है। ठीक है सर, कुंदन जी एंड मुकेश जी, ठीक है ओके, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। आज की क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ। ओके ओके, बाय, सी यू टुमारो।